दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी गाने का हिंदी कवर सॉन्ग कैसे बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक गाने का हिंदी कवर सॉन्ग यहाँ पे बनाया है, जो कि गाने का नाम है लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में। तो वो मैंने गाने का यहाँ पे लिरिक्स लिया है और पूरा यहाँ पे जो उसका रिदम है, जो कोड्स है, पैड्स है, इसका सीक्वेंस है, जो गाने के भराव के लिए जो यूज किया जाता है, सब बेस है, वो सब कुछ यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली तैयार कर लिया हूँ। सब कुछ बताऊँगा, एक एक करके बीट को ओपन करके मैं आपको दिखाऊँगा, और कैसे बनाया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हो। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। तो ये पूरा एक कंप्लीट हमारा गाना है। अब यहाँ पे बताते हैं कि आपको वोकल को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो वोकल को रिकॉर्ड करने के बारे में मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया है। आपको बीट के हिसाब से पहले आपको देखना है कि जो आप गा रहे हो, जो भी आपका गाना है, उसका स्पीड कितना है वो चीज़ देखना है, और उसका बीट आपको बना लेना है। कोई भी एक सिंपल सा बीट बना लेना है, उस पर आपको गा लेना है। बाद में आपको कम्प्लीटली बीट को तैयार करना है। दूसरा तरीका है जो क्लिक है, इसकी मदद से एक क्लिक को आपको इनेबल कर देना है। जो भी आप सेट करोगे यहाँ पे टेम इसका स्पीड, वो यहाँ पे उसी के स्पीड में आपका क्लिक ये बजेगा। तो अभी मैं आपको सुनाऊंगा इस क्लिक को इस वोकल के साथ में। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। तो ये बिल्कुल पूरा यहाँ पे क्लिक के साथ में मैच कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर मैच नहीं करेगा आपका वोकल आपका क्लिक के साथ में, तो बीट आपका ऑटोमेटिक इधर उधर जाएगा, आगे पीछे होगा, जो बिल्कुल बेसुरा लगेगा। उसके बाद में आपको ये बेस लाइन प्लग्ड पैटर्न आपको बना लेना है इस तरीके का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। जो हमारे गाने का स्केल होगा, उसी स्केल के हिसाब से आपका सारा कॉर्ड्स लगेगा, बेस लाइन बनेगा, पैड्स बजेगा, सब कुछ आपका उसी स्केल का बनेगा। इस तरीके का एक सिंगल लेयर में मैंने इसको बनाया है, इसका बेस लाइन। और उसके बाद में इसका यहाँ पे सब बेस है जो हमारा बेस लाइन के साथ में चलता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जब वोकल के साथ में इसको बजाएंगे तब देखिए कैसा लगेगा। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। तो बिल्कुल ये बिल्कुल लेवल इसका बराबर है। उसके बाद में यहाँ पे हम कॉर्ड्स लगाए हैं, कॉर्ड्स भी देख लीजिए, स्केल सेम है इसका, ए शार्प माइनर। पूरे गाने में इसी तरीके का कॉर्ड मैं लेयर एक ही लेयर में लगा दिया हूँ, ठीक है, एक ही लेयर में। कोई नगमा कहीं गू, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक परकसन्स यूज किया है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे पैड्स यूज किया है, सीक्वेंस है इसका, ये कुछ इस तरीके का लगता है। जब पूरे ट्रैक में बजेगा तो एक हमारा ट्रैक और वोकल जब बजेगा तो भरा भरा सा लगेगा, इसके लिए मैंने इस पैड्स को यूज किया है। मैंने पिछले कई वीडियो में बताया है कि पैड्स को कैसे बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हो। कोई भी आप
उसके बाद में ये सीक्वेंस है, सेम स्केल है इसका। अगर हम इसको वोकल के साथ में सुने तो काफ़ी अच्छा लगेगा, वोकल के साथ में बिल्कुल परफेक्ट ये बजता है, जो कि अगर म्यूजिक ना भी लगे तब भी अच्छा लगेगा। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। उसके बाद में हमारा है सब बेस है, और फिर नीचे यहाँ पे कट सब बेस लगाया है, इस तरीके का। तो इंट्रो का ये पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे आपको बनाना है। उसके बाद में जब हमारा एक छोटा सा यहाँ पे हम कट दिए हैं ये वाला, तो यहाँ पे मैंने एक बेस डाल दिया है, ये इस तरीके का बेस चलेगा यहाँ पे। सिंपल एक कट दिया है यहाँ पे और एक क्रैश दिया है, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। उसके बाद में बेस लाइन बजने के बाद में इतना बेस लाइन बजेगा तब हमारा ये किक वाला बीट यहाँ पे चलेगा, जिसमें किक क्लेप हाई हेट सब कुछ मिक्स है। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। इस तरीके का बीट यहाँ पे चलता है। यहाँ पे मैंने किक यूज किया है, किक है, क्लेप्स है, और हाई हैट है, स्नेर है, और यहाँ पे भी हाई हैट यूज हुआ है, क्रेस। और ये वोकल के साथ में मैच भी कर रहा है, सिंपल वोकल यहाँ पे सुन सकते हैं इस बीट के साथ में। लिखे जो खत तुझे, जो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए जो। तो इस तरीके से आपको इतना कंप्लीट करना है, बीट को बनाना है, और फिर हमारा सेकंड यहाँ पे अंतरा चलेगा। दोस्तों बहुत ही आसान था, कोई भी हिंदी कवर सॉन्ग इस तरीके से बना सकते हो। पहले तो आपको बीट पे क्लिक पे अपने वोकल को रिकॉर्ड करना है, फिर हमारा गाने का स्केल क्या है वो चीज़ देखना है, आपको प्लग्ड पैटर्न बनाना है, बेस लाइन बनाना है, और उसका जो कोड्स है कोड्स आपको बनाना है, फिर आपको बीट लगा देना है वोकल के साथ में, हमें कहाँ कहाँ पर बीट को लगाना है, कहाँ पर कट देना है ये चीज़ आपको देखना है, फिर सब बेस हमें कैसे बनाना है वो चीज़ आपको देखना है, सुनने में हमें कौन सा बीट वोकल के साथ में अच्छा लग रहा है वो चीज़ आपको देखना है। ये सब चीज़ अगर आप जान जाओगे तो आप किसी भी गाने का आप हिंदी कवर सॉन्ग बना सकते हो, या फिर आप खुद का नया गाना आप कंपोज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को